अगर आप भी योग्य पति या संतान की कामना रखते हैं तो यह शरद पूर्णिमा आपके लिए बेहद खास है। शरद पूर्णिमा का सनातन धर्म में विशेष महत्व माना गया है। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला या फिर भगवान कार्तिकेय का जन्म दोनों शरद पूर्णिमा को ही हुए, इस कारण से शरद पूर्णिमा का काफी महत्व माना गया है। पूरे संबंध में बता रहे हैं इंदौर के प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित कपिल महाराज। कैसे उपाय है जिसको करके लोग अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं? सबसे पहले तो न्यूज 18 के जितने भी दर्शक हैं उनको बहुत सारा प्रेम और इसने कहा जाता है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पर जो मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ, एक तो उसकी वैज्ञानिक मान्यता और दूसरी उसकी आध्यात्मिक जो हम लोग पौराणिक मान्यताएं जो कही गई है उसके अनुसार मैं आपको बताऊंगा। वैज्ञानिक मान्यता ये कही गई है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो रहता है धरती के बहुत समीप रहता है, तो जिसके कारण चंद्रमा से निकलने वाली जो अमृत धाराएं हैं वो हमारे शरीर में प्रविष्ट करती है, जिससे शरीर जो रहता है निरोगी काया को प्रदान करता है। इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन आपने देखा होगा कि 90% लोग अपने घर की छतों पे खीर रखते हैं बनाकर, ताकि उसके अंदर चंद्रमा की किरणें पड़े और हमारे शरीर से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमताएं वो बढ़नी चाहिए। तो जिसके कारण हम लोग वो खीर जो रहती है नेक्स्ट डे सुबह को हम लोग उनको पान कर लेते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। दूसरा, अगर आध्यात्मिक और माइथोलॉजिकल के हिसाब से अगर देखेंगे कि कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने महारास रचाया था जी। महारास के अंदर जो है, इस संसार में वैसे कहा गया है कि संसार में कोई भी पुरुष है ही नहीं, सबकी सब गोपियां ही हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिव भी जब रास में जा रहे थे तब उनको भी गोपी का रूप धारण करके जाना पड़ा था, इसलिए वो गोपेश्वर महादेव भी कहलाए थे। इसलिए रास के अंदर मुख्यतः इसलिए कहा जाता है कि जिन कन्याओं का विवाह कार्य नहीं हुआ है, अगर वो उस दिन भगवान कृष्ण का पूजन करती है तब उनको योग्य वर की भी प्राप्ति होती है। दूसरा, शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कार्तिकेय का जन्म भी हुआ था, इसलिए कार्तिक पूर्णिमा भी इसको कहा गया है। और इसलिए इस दिन जो रहता है, जिनको संतान नहीं होती अगर वो लोग भगवान कार्तिकेय का पूजन करा जाए उस दिन, तो उनको भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं जी। ये शरद पूर्णिमा की एक तो आध्यात्मिक तौर पे महत्वता मैंने आपको बताई, दूसरा वैज्ञानिक तौर पे दोनों में मैंने आपको महत्वता बता दी जी। शरद पूर्णिमा के दिन अगर जो व्यक्ति असाध्य रोगों से लड़ रहा है उसे स्वस्थ होना है, तो ऐसे व्यक्ति को शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के समीप यानी कहा गया है कि छत पे जाकर सोना चाहिए। अगर वो छत पे सोता है तो उसको सोने से ये लाभ होते हैं कि ऐसे व्यक्ति के रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कहा गया चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो, चंद्रमा मन का कारक कहा गया है। इसलिए कई बार लोग जो रहते हैं रोगी तो रहते हैं मगर वो मन से रोगी रहते हैं, जो मन से बड़े पीड़ित रहते हैं, ऐसे व्यक्ति को ठीक करने के लिए शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अति उत्तम कहा गया है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति रोगी से निरोगी बनना चाहता है तो उसे इस जगह पर सोना चाहिए।